नमस्कार, मैं हूँ हीना मेहता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। झाबुआ में प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। ऐसे नागरिक जिनकी आयु 80 वर्ष है या उससे अधिक है, उन्हें पुष्पहार, शॉल एवं श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नागरिकों से मतदान करने की अपील भी की गई। मध्य प्रदेश में पुजारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भोपाल की शीतल दास बगिया के सामने हनुमान मंदिर पर पुजारियों ने मुंडन कराकर सरकार का पिंडदान किया। पुजारी कलेक्टर को व्यवस्थापक से हटाने, वंश परंपरा गुरु परंपरा से नामांतरण, मंदिर की जमीन नीलामी बंद करने, समिति निर्माण रोकने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, मठ मंदिर से सरकारीकरण समाप्त की जाए, कलेक्टर व्यवस्थापक हटाया जाए और वंश परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा को उस अनुसार से नामांतरण की जाए। आज अभी मुंडन संस्कार किए अभी कुछ क्षण पहले, और आज समस्त पुजारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। 1974 में भारतीय जनता पार्टी की सुंदरलाल पटवा सरकार ने जो हमारे मठ और मंदिरों की जमीनों को और मंदिरों पर राजनीतिकरण करने के लिए मंदिरों की भूमि पर व्यवस्थापक कलेक्टर सुंदरलाल पटवा जी ने बैठाया था, उसके बाद आज भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार है। आदरणीय शिवराज जी से कई अनुनय विनय और निवेदन करने के बावजूद भी हमारे मंदिर से कलेक्टर व्यवस्थापक नहीं हटाया गया और आज पुजारी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, मृत्यु तुल्य कष्ट में जी रहा है। आज मजबूरी में जब पुजारी यहाँ बैठा था, कल जल सत्याग्रह करने के बावजूद भी शिवराज जी या उनकी सरकार का कोई व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया, तो आज हमने सरकार को शिवराज सरकार का पिंडदान करा है और इसके बाद निरंतर चरणबद्ध आंदोलन पुजारियों के पूरे मध्य प्रदेश में चलेंगे और सरकार की इन धर्म विरोधी नीतियों को आम जनता के सामने, हिंदू समाज के सामने हम रखेंगे। मांडू में रविवार को स्वच्छता के प्रति अलग ही नजारा देखने को मिला। अधिकारियों और नागरिकों के साथ देश दुनिया से मांडू का दीदार करने आए सैलानियों ने भी झाड़ू उठाई और घंटा ऐतिहासिक महलों के आसपास सफाई में जुट गए। सैकड़ों पर्यटकों ने पहले स्वच्छता ही सेवा अभियान में अपनी सहभागिता की, उसके बाद मांडू के भ्रमण का आनंद लिया। SDM संजय उपाध्याय एवं SDOP अरविंद सिंह ने सारंगपुर उपजेल का निरीक्षण किया। रविवार सुबह अचानक जेल पहुंचे और दोनों अधिकारियों ने बंदियों की एक एक बैरक और जेल परिसर की गहनता से पड़ताल की। इस दौरान बैरक में कपड़ों, सामान, शौचालय आदि को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। श्रीमान SDM साहब, श्रीमान SDOP अरविंद जी, सारंगपुर मैं और मेरा थाना स्टाफ, आज आकस्मिक जेल का निरीक्षण किया गया, जहां कैदियों से भी चर्चा की गई, उनकी तलाशी ली गई, कोई भी गैर वैधानिक सामग्री की तलाशी ली गई, जो ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली और सारा पूरे जेल का निरीक्षण किया गया सारे अधिकारियों द्वारा, सभी कुछ ठीक रहा। भोपाल के वर्धमान नगर के दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक हफ्ते के भीतर ही आरोपियों को चोरी किए गए सामान सहित धर दबोचा गया, जिनमें एक अष्ट धातु की बनी बड़ी मूर्ति लगभग 20 किलो वजनी, एक छोटी मूर्ति जिसका वजन लगभग 10 किलो तथा एक चांदी का सिंहासन जिसका वजन लगभग 15 किलो था, वो जब्त कर लिया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रविवार को आमजन के सहयोग से जिले भर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रमदान कार्यक्रम के तहत गलियों, नदी, नालियों व आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्कूल आदि सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।